गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय के खेल मैदान पर चल रहे गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत सोमवार को खोराबर फुटबॉल क्लब व एलएफएस चरगावा के बीच फुटबॉल मैच खेला गया। आपको बता दें कि पहला मैच खोराबर फुटबॉल क्लब व एलएफएस चरगावा के मध्य खेला गया, जिसमें महेश ने प्रथम अर्ध में 6वें व 22वें मिनट में आयुष व अमन ने लगातार दो गोल करके एलएफएस चरगावा को 2-0 से बढ़त दिला दी। मध्यांतर तक एलएफएस चरगावा 2-0 से आगे थी। मैच के उत्तरार्ध में चरगावा फुटबॉल क्लब ने पलटवार करते हुए 41वें मिनट व 52वें मिनट में विकास द्वारा दो गोल तथा 45वें मिनट में निशांत द्वारा एक गोल की मदद से 3-2 से मैच जीतकर विजेता बनी। वहीं दूसरा मैच एफसी गोरखपुर व एसएस फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया। मैच प्रारंभ के 30वें मिनट में एसएस फुटबॉल क्लब में नितिन टेटे ने अपनी टीम के लिए पहला गोल किया। उसके पश्चात फुटबॉल क्लब गोरखपुर प्रतिद्वंदी टीम पर हावी हो गई तथा 11वें व 20वें मिनट में सौरभ व इब्ने तालिब तथा 36वें व 43वें व 50वें मिनट में सुधांशु द्वारा किए गए हैट्रिक की मदद से एफसी फुटबॉल क्लब 5-1 से विजयी रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के जिला सचिव हमजा खान ने कहा, फुटबॉल लीग गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित है सेंट एंड्रयूज कॉलेज महाविद्यालय के मैदान पे, और अभी जो मैच हो रहा है एलएफएस चरगावा और खोराबर एफसी के बीच, जिसके तुरंत बाद ये ग्रुप सी का मैच है और इसके तुरंत बाद जो दूसरा मैच होगा वो एफसी गोरखपुर और एसएसएफसी गोरखपुर, इन दोनों के बीच सेकेंड मैच होना है। ये आज का पहला मैच है और मध्यांतर के पूर्व खोराबर एफसी 1-0 से बढ़त बनाए हुए। ये मैच कब तक चलेगा? ये एक्चुअली अभी लीग का मैच है और पूरा मैच, ये 45 मैच है टोटल, तो शायद 5 अक्टूबर तक पूरा ये शेड्यूल्ड है कि 5 अक्टूबर तक मैच लीग के चलेंगे। बीच में वर्षा के कारण 4 दिन मैच बाधित हुआ, जल जमाव था मैदान में और बारिश के कारण स्थगित किया गया, उस मैच को बाद में करेंगे। इस तरह से ये कुल अभी लीग के मैचेस 45 मैचेस होने हैं जो 5 अक्टूबर तक होंगे, उसके बाद नॉकआउट दौर शुरू होगा इस लीग प्रतियोगिता का।